यूनिकॉर्न फोटो एडिटर गेम्स एप्स नाम की इस कंपनी ने घोष डिटेक्टर रियल ईएम फोर सेंसर रडार सिमुलेटर नाम की इस एप्लीकेशन को 17 नवंबर 2020 को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन की कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बाकी इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में चलकर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये रियल घोष डिटेक्टर रडार स्पिरिट बॉक्स घोष्ट कम्युनिकेटर सेंसर EM4 डिटेक्टर। इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन का अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकती हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। ये एक EMF मीटर जो कि रियल EMF मीटर होता है उसी के बेस की तरह ये एप्लीकेशन है, उसी के बेस पर बनाई गई है, लेकिन वो EMF मीटर होता है, ये एक एप्लीकेशन है। तो इसको चेक करके देखेंगे क्या ये रियली वर्क कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। बाकी ये दोनों है, मतलब घोष डिटेक्टर भी है और ये इसमें एक रडार भी लगा हुआ है और EMF मीटर भी है, दोनों है ये। बाकी इस एप्लीकेशन की परमिशंस देख लेते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कौन कौन सी परमिशंस लेती है। तो ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस की जो फुल नेटवर्क एक्सेस है वो पूरी की पूरी ले लेती है, परमिशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी मैं अब इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देखेंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है, रियली वर्क कर पाता है या फिर ये सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन या फिर सिर्फ फन पर्पज़ या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब ये एप्लीकेशन चालू हो चुका है तो ऊपर की तरफ आपको ये लाइटें मिल जाएंगी, एक वाइट कलर की लाइट है, ये मतलब वाइट सिग्नल है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तो और बीच में ये दो येलो कलर की लाइटें हैं, इनसे अगर यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो समझ लो कुछ ना कुछ एंटिटी हो सकती है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो सकता है। और थर्ड नंबर पर ये जो रेड लाइट है, अगर ये हो जाए तो समझ लो जो EMF एक्टिविटी है वो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर है। तो सबसे ऊपर ये है, यहाँ पे बीच में ये गोल मीटर है जो कि घोष डिटेक्टर का है। यहाँ पे ये सुई अगर 0 से 4 के बीच रहती है तो वाइट कलर का सिग्नल मिलता रहेगा, लेकिन अगर 4 से 8, 10 के बीच तक मिलती है तो येलो कलर की ये दोनों लाइटें जल जाएंगी, और अगर 10 से 12 के बीच का सिग्नल मिलता है तो दोनों रेड कलर की लाइटें जल जाएंगी। बाकी यहाँ पर एक स्विच है, ये स्विच इस ऑरा वाले मीटर का है, इस दूसरे वाले मीटर का। बाकी इसको बंद कर देते हैं अभी। बाकी नीचे की तरफ एक EMF मीटर है जो कि लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको एक ऐड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शो वीडियो का ऑप्शन है आप इस पर टैप करेंगे, तो मैं इस पर वीडियो देखने के बाद इसे अनलॉक कर देता हूँ, और अनलॉक करने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। 30 सेकंड का ऐड देखने के बाद EMF मीटर हमारा जो है अनलॉक हो चुका है। अभी बीच में रेड कलर का बटन है, जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो ये जो EMF मीटर है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अभी वाइट सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। तो बाकी हम घुमाएंगे इस एप्लीकेशन को, यानी कि अपने स्मार्टफोन को इधर उधर, और देखते हैं यहाँ कहीं हमें सिग्नल मिल पाता है इस रूम में या नहीं मिलता है। तो अभी तक ये सुई जो है अपनी जगह से हिली नहीं है, तो हम इसे ऑरा वाला जो ये मीटर है इसको भी ओपन कर देते हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं कि हमें कोई सिग्नल मिले। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे कोई सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, हमारी जो सुई है ये 2 तक ही अटकी हुई है। देखते हैं, अभी तक कोई भी येलो लाइट नहीं चली है, तो मैं देख लेता हूँ कुछ देर और देख लेते हैं 5 मिनट या 2-3 मिनट तक, अगर सिग्नल मिलता है तो ठीक है। वैसे मैंने इस एप्लीकेशन को जब यूज़ किया है तो ये 2 लाइटें तो ज़रूर चली हैं मैंने जब भी इसका यूज़ किया है, पर अभी के टाइम में नहीं चल पा रही हैं। और ये जो रेड कलर की 2 लाइटें हैं ये नहीं जल पाई हैं, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं इसमें कि ये जलती है नहीं जलती है, ये नहीं जल पा रही है। अब मैं इसको बिजली के बोर्ड के पास ले जाकर देख लेता हूँ, हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद इसमें लाइटें जलें, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो बिजली के बोर्ड के पास मैं ले गया, यहाँ पर भी ये नहीं ब्लिंक कर रही है कोई भी लाइट, ना सुई हिल रही है। बाकी देखते हैं, सुई अभी 4 तक पहुंची है धीरे धीरे। बाकी मैं अपने स्मार्टफोन के पास ले जाके देख लेता हूँ, एक बार मैं इसे ओपन करता हूँ स्मार्टफोन को, और देखता हूँ यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है या नहीं करती है। तो मैंने अपने स्मार्टफोन को ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे सुई ऑल डाउन हो गई लगभग, जबकि रियल EMF मीटर होता तो एकदम से लाइट जल जाती है, लाइट ब्लिंक करने लग जाती हैं, पर ये एप्लीकेशन में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये
घोस्ट डिटेक्टर भी है और EMF मीटर भी है, दोनों ही काम करता है। तो अभी तक हमें कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है। बाकी ये सुई अभी 4 तक गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर अभी हिल रही है सुई। देखते हैं कितनी देर तक ये जो EMF मीटर है, ये घोस्ट रडार, ये सुई कितनी देर तक हमें सिग्नल देती है। बाकी मैं देख रहा हूँ अभी तक तो कोई सिग्नल दिया नहीं है इस एप्लीकेशन ने। देखते हैं यहीं पे शायद सिग्नल मिल जाए हमें देखने को कुछ। अभी तक यानी कि बिजली के बोर्ड पे तो कोई सिग्नल मुझे देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे भी कोई सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। मैं 2-3 बार बिजली के बोर्ड पे देख चुका हूँ, बल्ब की तरफ भी देख चुका हूँ। स्मार्टफोन को एक बार दोबारा ओपन करके मैं देख लेता हूँ, शायद अब दिख जाए। अब भी कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है, जबकि जो रियल EMF मीटर होता है उसमें लाइटें ब्लिंक कर जाती हैं अगर स्मार्टफोन को ओपन करो। बाकी यहाँ पे अभी तक हमें कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है। बाकी ये सुई देखते हैं जाती है, 4 तक तो चली जाए कम से कम, 2 लाइटें तो ब्लिंक कर ही जाएँ। वैसे मैंने जितनी बार भी यूज़ किया तो 2 लाइटें ब्लिंक कर जाती हैं पीले कलर की, लेकिन ये रेड लाइटें, ये रेड लाइट ब्लिंक नहीं करती है। अभी तक ब्लिंक नहीं कर रही है, कुछ भी ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए? वैसे जितनी बार भी मैंने यूज़ किया है मुझे येलो लाइट ब्लिंक कर जाती है। वैसे इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक लाइटें कुछ भी इसमें हुआ नहीं है। मैं इसे बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऐड आ चुका, मैं इसकी स्किप कर देता हूँ। ऐड को मैंने स्किप कर दिया, मैं दोबारा से एक बार चालू करता हूँ EMF मीटर को और इस ऑरा बटन को भी ऑन कर देता हूँ। EMF का जो मीटर का जो सिग्नल है वो भी बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 63-40। जबकि अभी कुछ देर पहले मैं जब इसका यूज़ कर रहा था तो 100, हाँ अब 100 तक गया है EMF मीटर का, जो 100 तक गया था, ये 100 तक गया, लेकिन यहाँ पे हमें लाइट ब्लिंक होती हुई नहीं दिखी। दोबारा देखता हूँ मैं, यहाँ पे 100 तक गया, 83-87, यहाँ पे 180 तक आ गया, लेकिन सुई अभी भी आगे नहीं पहुँची है। यानी EMF मीटर के जो रीडिंग है वो अलग ही तरीके की दिख रही है और सुई की रीडिंग जो है अलग तरीके की है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। अभी तक कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, जबकि कई बार मैं इसका यूज़ किया है मैंने तो ये डिटेक्ट कर लेता है कुछ ना कुछ, अभी भी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है आज ये ऐसे ही बंद करना पड़ेगा ये एप्लीकेशन, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब तक कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, हालांकि EMF जो मीटर है नीचे की तरफ इसमें रीडिंग 100 से ऊपर आ चुकी है, जो कि बड़ी बात है। और यहाँ पे अब तक 4, इस स्विंग का सिग्नल 4 तक मिल रहा है, अभी मिला अभी और आगे। फोर तक सिग्नल मिला हमें, ये 4 लाइट ब्लिंक नहीं कर पा रही है। 4 से ऊपर हो जाएगी सुई तो ये येलो लाइट ब्लिंक कर जाएंगी, ये येलो लाइट ब्लिंक कर जाए तो मैं इस मीटर को बंद कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। पर अभी तक सुई 4 तक भी नहीं पहुँच पा रही है, 4 तक भी नहीं पहुँच पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन में। बाकी आप लोग इस एप्लीकेशन का एक बार यूज़ करें और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके ये आपकी सुई कहाँ तक जाती है, आपके मीटर की सुई। मेरे यहाँ पे तो कोई खास प्रॉब्लम, बाकी जो इससे पहले जो मैंने जितने भी एप्लीकेशन का रिव्यू किया है उनमें तो सभी मुझे कुछ ना कुछ सिग्नल ज़रूर मिला है, लेकिन इसमें कुछ भी
ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। बाकी रियल फेक तो वो वीडियो के एंड में पता करेंगे, कंक्लूज़न निकालेंगे। बाकी सुई और ज़्यादा डाउन हो चुकी है, थोड़ा बहुत ये एप्लीकेशन लग रहा है रियल टाइप का वर्क कर सकता है, पर मुझे तो लगता नहीं। मुझे तो लग रहा है ये हॉन्टेड प्लेस पे भी शायद इसकी सुई चलने वाली नहीं है। चलो देखते हैं आगे। तो मुझे लग रहा है अब इस एप्लीकेशन को हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी तक हमें रेड सिग्नल तो दूर की बात है, येलो सिग्नल भी नहीं मिला है, यानी कि येलो लाइट भी नहीं चल पाई है। तो मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ और फिर वीडियो के एंड में कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये एप्लीकेशन रियली वर्क कर रहा है या नहीं कर पा रहा। वैसे मैं रियली बताऊँ तो मैंने इस एप्लीकेशन का जब रिव्यू से पहले टेस्ट कर रहा था इस एप्लीकेशन को, तो ये जो येलो लाइट है यानी 4 से 6 तक के बीच तक सुई गई है, लेकिन ये दोनों येलो लाइट जल जाती हैं, लेकिन ये 10 से 12 के बीच में नहीं जा पाई है। मैंने काफ़ी टेस्टिंग करी, काफ़ी कोशिश करी, लेकिन अब तो बिल्कुल येलो तक भी नहीं जा पा रही है सुई। ऐसा क्यों हो रहा पता नहीं, अभी 4 से आके डाउन हो गई थी वापस। देख लेते हैं थोड़ी देर और, थोड़ा सा और घुमा के देख लेते हैं, हो सकता है सुई वैसे जा तो रही है, 4 तक जा तो रही है किसी तरह। लाइट भी चली गई है, लाइट चली उसके बावजूद भी। बाकी EMF मीटर की रीडिंग आप नीचे की तरफ देख ही सकते हैं, 100 से ऊपर जाई गई है, लेकिन रीडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सुई को उसी एरिया में दिखाया, मतलब 4 तक सुई जाती है, हाँ यहाँ से ही जा रही है 4 की सुई। तो आगे देख लेता हूँ मैं, देखते हैं जाती है नहीं जाती है। अब भी गई नहीं गई, यहाँ भी नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। लगता है ये एप्लीकेशन ऐसे ही बंद करना पड़ेगा 4 तक, हो सकता है चली जाए, हो सकता है अभी भी नहीं गई, इसमें बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही, 4 तक नहीं पहुंच पा रही। बाकी मैं उसी एरिया में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर सुई 4 तक पहुँची है, बट यहाँ पर अब तक नहीं पहुँच पा रही है सुई 4 तक, अब बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही है। तो मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ, बाकी वीडियो के एंड में कंक्लूज़न देखते हैं। तो बंद करता हूँ मैं इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन का फेक रीज़न हो सकता है कि ये एप्लीकेशन फेक हो, बट अभी हम इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से फेक नहीं कह सकते। बाकी अगर रीजंस की बात करें तो ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी की है। बाकी आप इसके रेटिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, 1,00,000 की डाउनलोडिंग है और 4.2 की रेटिंग है लगभग, और कुछ लोगों ने कहा है कि ये एप्लीकेशन रियली वर्क करती है। बाकी इस एप्लीकेशन का एक यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ इस वीडियो को, और यहाँ पर अगर आप चैनल पर जाकर देखते हैं डायरेक्टली ये वीडियो, जैसे कि चैनल पर चलते हैं और वीडियो देखते हैं, एक कमेंट भी लिखा हुआ है यहाँ, आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिंगापुर, डज दिस ऐप रियली वर्क, यानी कि यहाँ पर किसी पर्सन ने बोला है कि ये एप्लीकेशन रियली वर्क करती है। ये इनका यूट्यूब चैनल है हाइपर स्टेमिना, बाकी 1 साल के बाद से इस पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। बाकी हम वापस एप्लीकेशन में चलते हैं। तो इस एप्लीकेशन का मतलब फेक रीजंस ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिले हैं। एक तो यही रीज़न है एंटरटेनमेंट कैटेगरी। बाकी इस एप्लीकेशन में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। बाकी एक रीज़न ये भी है कि जब मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर रहा था, जब मैं इसको चेक कर रहा था, तो इसके जो EMF मीटर की जो एक्टिविटी है वो 100 को भी क्रॉस कर गई थी, 180 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो सुई है घोस्ट रडार की, इसकी जो ये सुई है, इस सुई पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जब यानी कि ये EMF मीटर है, इसकी रीडिंग से इस सुई पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला
मेरे ख्याल से दोनों का अलग अलग तरीके से काम है। बाकी मैं स्मार्टफोन पर भी यूज़ कर रहा था तब भी ये इसकी जो सुई है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी इस एप्लीकेशन को जब मैंने पर्सनली यूज़ करके देख रहा था तब मैं देख रहा था कि तब ये एप्लीकेशन इस यहाँ पे दो लाइटें ब्लिंक कर रही थी, कई बार ब्लिंक करी, पर जब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ तब पता नहीं क्या हुआ ये बिल्कुल भी लाइट इसमें ब्लिंक नहीं करी येलो कलर की। बाकी मैंने बिजली के बोर्ड पे भी ट्राई किया, स्मार्टफोन पे भी ट्राई किया और स्पीकर पर भी ट्राई करके देख लिया, वहाँ पर भी इसमें ये सुई बिल्कुल नहीं टच से मस हुई अपनी जगह से। बाकी मुझे तो यही लगता है कि तो हम ये जो टेस्ट है हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुली नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें हमें रीडिंग भी देखने को नहीं मिली है। तो इस एप्लीकेशन का रिव्यू ये पार्ट वन समझिए, इन फ्यूचर मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू फिर से करूँगा किसी थोड़ा नॉर्मल सी हॉन्टेड जगह पे जहाँ पर थोड़ा हमें डाउट होगा कि वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, तो वहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे इस एप्लीकेशन को। बाकी उसके बाद देखेंगे कि ये एप्लीकेशन रियली वर्क करती है या नहीं करती, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस एप्लीकेशन के बारे में कि रियली ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो आप अपने घर वगैरह में कहीं पर भी ट्राई करके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में कितनी लाइटें ब्लिंक करवा पाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी ये एप्लीकेशन मेरी नज़र में तो जहाँ तक है देखने से तो थोड़ा सा लग रहा है कि नॉर्मली ये फेक हो सकता है, पर हमें कोई ज़्यादा रीज़न नहीं मिले हैं फेक होने के जो कि हम बिना मतलब रीज़न के ऐसे ही डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को फेक बोल दें तो वो भी गलत होगा। तो पहले पूरा इसका पार्ट टू आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मैं इसके पार्ट टू में इस एप्लीकेशन का फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा और देखेंगे कि उस वक्त ये एप्लीकेशन रियली वर्क कर पाता है या नहीं। फ़िलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पे तो रीडिंग नहीं दिखाई है, तो इसको फेक बोल भी सकते हैं बट नहीं, यानी 50-50% है, फेक भी हो सकती है रियल भी हो सकती है, या फिर क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हॉन्टेड प्लेस पे भी अगर इसने रीडिंग नहीं दिखाई तो ये 100% फेक होगी ये एप्लीकेशन, वो पार्ट टू में पता चलेगा। तो इन फ्यूचर मैं पार्ट टू बनाऊँगा, उसके बाद ही इसका एप्लीकेशन का जो है कंक्लूज़न निकालेंगे और देखेंगे कि एप्लीकेशन रियली वर्क कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर वक्त वीडियोस देखने की ज़रूरत है, जब भी आपको इंटरेस्ट लगे तो आप वीडियोस देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट घोस्ट हंटिंग एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।